दोस्तों, क्या आपके भी हाथ और पाँव गर्मी की वजह से काले पड़ गए हैं? उनके ऊपर आ गया है टैन, जो कि आपके हाथों और पाँव की खूबसूरती को कर रहा है हराम। तो फिर वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ कोलगेट टूथपेस्ट को यूज़ करते हुए कुछ और चीज़ें भी हम ऐड करने वाले हैं और एक बेहतरीन किस्म का पैक बनाने वाले हैं। इस बेहतरीन किस्म के पैक को लगाने के बाद आपके हाथों और पाँव का जो कालापन है, जो टैन है, जो धूप की वजह से आपके हाथों और पाँव को ख़राब कर रहा है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और स्किन बिल्कुल नीट हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले एक बाउल लें, बाउल के अंदर आप लोगों ने कोलगेट टूथपेस्ट ऐड कर लेनी है। कोलगेट टूथपेस्ट आपने व्हाइट वाली ऐड करनी है, ये वाली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जेल वाली ऐड नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने लीमू लेना है, ठीक है। आधे लीमू का रस आप लोगों ने इसके अंदर स्क्वीज कर लेना है, यानी कि निचोड़ लेना है, ठीक है जी। आधे लीमू का रस इसके अंदर निचोड़ लेने के बाद इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो आप इसके अंदर शुगर यानी कि चीनी भी ऐड कर सकते हैं आधी चम्मच के करीब, लेकिन यहाँ पर मैं ऐड नहीं कर रही, यहाँ पर टोटल मैं दो चीज़ें ही ऐड करूँगी, ठीक है। अच्छा जी, अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है। लीमू टैनिंग को रिमूव करने के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है, जो हमारी कोलगेट टूथपेस्ट है वो भी टैन को रिमूव करने के लिए बहुत बेहतरीन है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी स्किन को बिल्कुल नीट कर देंगी। इस रेमेडी को चेहरे पे आप लोगों ने बिल्कुल भी अप्लाई करने नहीं करना, क्योंकि ये रेमेडी चेहरे के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे हाथों पर अप्लाई करो, पाँव पर करो, बाजुओं पर करो, गले पर करो, गर्दन पर करो, लेकिन चेहरे पर आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, ठीक है जी। इसको तमाम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। लड़के भी कर सकते हैं यूज़, लड़कियाँ भी इसे यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा मैजिकल हैं। अब जी, अप्लाई करने का तरीका समझ लीजिए। आप इस रेमेडी को किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने सुबह करना है या शाम को करना है या रात को करना है, किसी भी टाइम आप लोगों ने इसको इस रेमेडी को अप्लाई करना है। अप्लाई किस तरीके से करना है, सबसे पहले आप लोग अपने हाथों और पैरों को वॉश करना है, खुश कर लेना है। खुश कर लेने के बाद अच्छे तरीके से आप लोगों ने इस कोलगेट ट्यूब का जो मिक्सचर जो हम लोगों ने रेडी किया होगा, वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने हाथों पे, पाँव पे, बाजुओं पे, गले पे, गर्दन पे आप लोगों ने अप्लाई करना है। अप्लाई करना है, लेप करके अप्लाई करना है, उसके बाद छोड़ देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद जब आप देखें कि आपके हाथ और पाँव जहाँ पे भी आपने इस मिक्सचर को लगाया होगा खुश्क हो गया, तो अपने हाथों पे थोड़ा सा पानी लेना है, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी, यानी कि मुश्किल से आपके हाथ गीले ही हो। फिर अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको मसाज करना है, ठीक है। मसाज करने के बाद आप लोगों ने नॉर्मल पानी से अपने हाथों और पैरों को वॉश कर लेना है, जहाँ पे आप लोगों ने इस रेमेडी को अप्लाई किया होगा। इस रेमेडी के रिजल्ट बहुत मैजिकल है, टैनिंग रिमूव हो जाएगी, स्किन आपकी बिल्कुल नीट हो जाएगी। लेकिन पहली बार में आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेगी, बेहतरीन रिजल्ट के लिए हफ्ते में दो बार आप लोगों ने इसको लाजमी अप्लाई करना है, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की रेमेडी, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करें, ताकि मैं मजीद भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। अगर आपको इस रेमेडी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं। तो चाहूंगी आपसे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।